राम रहीम की सबसे बड़ी साजिश, रेप के बाद मर्डर प्लान। एकदम कहने लगे भी हमने तो, हमको गुरु का हुक्म है कि हमने तो छोड़ना नहीं किसी को। रणजीत का तो कत्ल करेंगे ही और तेरा भी करेंगे, क्योंकि तू चिट्ठियों को बांट रहा है। कैमरे के सामने सबसे बड़ा राजदार। आपने बलात्कारी राम रहीम की काली करतूत की कहानी देखी, आपने उसे कोर्ट से जेल जाते हुए देखा। राम रहीम के अय्याशी के ठिकाने का खुलासा भी हो चुका है, लेकिन सनसनी में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं राम रहीम के सबसे बड़े साजिश की कहानी। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं राम रहीम के सबसे बड़े राजदार का वो खुलासा जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। बलात्कार के बाद राम रहीम ने रची थी कौन सी साजिश? पहली बार राम रहीम की काली करतूत का कैसे हुआ खुलासा? पीड़ित लड़की से बलात्कार के बाद पहली बार कैसे सामने आई चिट्ठी? बलात्कार पीड़ित लड़की के भाई की हत्या कैसे हुई और इसके पीछे कौन सी साजिश थी? सनसनी में आज इन तमाम रहस्यों से पहली बार पर्दा उठा रहा है वो शख्स जो बाबा राम रहीम और उसके डेरे से जुड़े हर बड़े राज को जानता है। ये वही शख्स है जिसकी मदद से 15 साल पहले दुनिया के सामने आई थी बाबा राम रहीम के पाप की सनसनीखेज कहानी। 15 साल से अपने सीने में कई राज दफन करने वाले इस शख्स का नाम है बलवंत। बलात्कारी बाबा राम रहीम के गुंडों की आंखों में कांटे की तरह चुभने वाले बलवंत आज पहली बार कैमरे के सामने आए हैं। आज पहली बार एबीपी न्यूज के कैमरे पर हो रहे हैं राम रहीम के गुनाहों और उसके गुंडों के बारे में सनसनीखेज खुलासे। आप गौर से सुनिए। मेरे नाम पे, मेरे एड्रेस पे एक चिट्ठी आई, तो मैंने जब वो चिट्ठी खोली पढ़ी तो बहुत हैरान रह गया कि वो गुमनाम पत्र था, किसी साध्वी द्वारा लिखा गया प्रधानमंत्री के नाम, और उसमें डेरा प्रमुख डेरा सच्चा सौदा सरसा के खिलाफ बहुत सारे ऐसी बातें की गई थी जो बहुत हैरानीदायक थी। तो ये मैं चिट्ठी जब डाकिये से ली और वहीं मार्केट में ही उसको एक दुकान पे बैठ के पढ़ने लग गया। मेरे दोस्त एक दो साथ थे, वो कहने लगे भी इतना हैरान क्यों हो रहे हो? तो मैंने कहा कि ये चिट्ठी पढ़ के देखो। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी तो उन्होंने कहा कि हमें ये चिट्ठी की फोटोस्टेट चाहिए। तो मैंने कहा ले जाओ। वो खुद ले गए, वो फोटोस्टेट पास की दुकान से करवा ले आए। पता नहीं उन्होंने 2 करवाई या 10 फोटोस्टेट करवाई, मेरे को नहीं पता। वो खुद करवा ले आए और ओरिजिनल चिट्ठी मेरे को दे दी। मैं वो चिट्ठी घर लेके आके अपनी फाइल में लगा के रख दी। पर उन लोगों ने वो चिट्ठी आगे बांटनी शुरू कर दी। आगे से आगे फोटोस्टेट होती हुई ये पूरे इलाके में फैल गई। पहली बार मीडिया के सामने आए बलवंत ही वो शख्स हैं जिनके पास 15 साल पहले पहुंची थी एक गुमनाम चिट्ठी। ये वही गुमनाम चिट्ठी थी जिसे राम रहीम के बलात्कार की शिकार बनी एक साध्वी ने लिखा था। ये वो ही गुमनाम चिट्ठी थी जिसे बलात्कार की शिकार साध्वी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को भेजकर इंसाफ की गुहार लगाई थी। उसमें स्पष्ट तौर पे ये लिखा हुआ था कि मैं डेरे की एक साध्वी हूँ, मेरे पेरेंट्स भी डेरे के अनुयायी हैं और मैं डेरे से कई सालों से रह रही हूँ, और एक दिन का किसी का नाम है कि उन्होंने मेरे को कहा कि आपको पिताजी ने बुलाया है। मैं बहुत प्रसन्न थी कि भी आज तो साक्षात भगवान ने मेरे को बुला लिया। तो जब मैं अंदर गई तो वहाँ का माहौल ऐसा देखा कि गुरुजी जो हैं वो रिमोट कंट्रोल उनके पास है, ब्लू फिल्म चल रही है, उनके पास रिवॉल्वर है और बहुत अनर्गल बातें उसके बाद उसमें लिखी हैं, वो जो कि बयान करने लायक भी नहीं है। ऐसी ऐसी मतलब अश्लील आगे वार्तालाप है उन दोनों में।
तो जिसमें उसने स्पष्ट ये कहा कि भी आप तो गुरुजी हैं, हम तो आपको इस नज़रिए से देखते हैं। वो कहता कि भी कृष्ण भगवान भी तो गोपियों के साथ रासलीला रचाते थे, मैंने अगर कर लिया तो क्या हुआ। और यहाँ तक भी है कि भी मेरे डेरे की आमदन 1 करोड़ रुपया रोजाना है और सारे मुख्यमंत्री मंत्री मेरे आगे झुकते हैं और मैं जो मर्जी करना चाहूँ कर सकता हूँ। और कई ऐसे एक दो का नाम है कि भी फकीर चंद एक प्रबंधक था जिसने मेरे खिलाफ़ आवाज़ उठाई थी और उसका नामो निशानी आज तक नहीं मिला। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और उसने ये भी दावा किया था कि मैं नहीं, ऐसे यहाँ बहुत सारी साध्वियाँ हैं, अगर हम कुंवारी यहाँ आई थी छोटी उम्र में आई थी और अगर आज हमारा मेडिकल करवाया जाए तो हमारा उसमें सब पुष्टि हो जाएगी और अगर हमारा किसी ने शील भंग किया तो अपने आप पता लग जाएगा, यहां तक दावा किया गया। कुरुक्षेत्र में रहने वाले बलवंत यहां उसी गुमनाम चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं जिस चिट्ठी की वजह से राम रहीम के खिलाफ 15 साल पहले रेप का केस दर्ज हुआ था और उसकी सीबीआई जांच शुरू हुई थी। बलवंत का कहना है कि उस गुमनाम चिट्ठी ने इनकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया था। दरअसल कुछ लोगों ने उस चिट्ठी की फोटोस्टैट कॉपी करवाकर पूरे इलाके में बांट दी थी। सबकी जुबान पर राम रहीम के घिनौने गुनाह के किस्से थे। जब ये किस्से डेरे तक पहुंचे तो एक दिन बाबा के गुंडिया धमके और इन्हें धमकी दे डाली। कई बार मेरे घर में 100-100 की तादाद में भी डेरा प्रेमी आए और उन्होंने मेरे को थ्रेट भी किया, डराया पूरा कि भाई आपने ये चिट्ठी बांट दी, ये देख लो कि हमने भीड़ है हमारे पास तो करोड़ों की संख्या में उन्हें आई हैं, अगर हमने एक इशारा कर दिया तो आपका तो नामो निशानी मिटा देंगे हमारे अनुयायी। इतना मतलब मेरे को भयभीत करने की कोशिश भी उन्होंने की थी। उसी दौरान अभी ये कश्मकश जारी थी क्योंकि एक दिमाग में ये भी तो भी इतना बड़ा पहाड़ है, इतनी बड़ी सुपर पावर है जिसके खिलाफ ये बात है और उसके खिलाफ हमने प्रैक्टिकल देखा था कि भी प्रशासन जो है उनके सामने बिल्कुल पंगु हो जाता था। बलवंत के मुताबिक राम रहीम के गुंडे समझते थे कि डेरे के एक पूर्व कर्मचारी रणजीत सिंह ने इन्हें वो गुमनाम चिट्ठी दी थी जिसमें साध्वी ने बाबा पर रेप का इल्जाम लगाया था। ये वही रणजीत सिंह था जो 2002 तक अपने परिवार के साथ डेरे में रहता था। बाबा पर रेप के इल्जाम लगने के बाद रणजीत सिंह ने अचानक डेरा छोड़ दिया था। उसके बाद से ही राम रहीम के गुंडे रणजीत सिंह के जानी दुश्मन बन गए थे। उन्होंने मेरे को सीधा सवाल किया कि वो चिट्ठी तुम्हारे को रणजीत ने दी है। मैं कहा भी नहीं, मेरे को रणजीत ने नहीं दी, मेरे को बाई पोस्ट आई है। तो वो कहने लगे हम जानते हैं कि रणजीत ने दी है, रणजीत का तो कत्ल करेंगे ही और तेरा भी करेंगे क्योंकि तू चिट्ठियों को बांट रहा है। मैं कहा भी मैंने शुरू में 2 चिट्ठियाँ उनको फोटोस्टेट उन्होंने करवाई थी और वो 2 जने ले गए थे, बाकी मेरे को नहीं पता, मैंने कभी आगे नहीं बांटी। तो वो एकदम कहने लगे भी हमने तो, हमको गुरु का हुक्म है कि हमने तो छोड़ना नहीं किसी को। तो उसके मैंने कपड़े के नीचे देख लिया कि रिवाल्वर था, तो मैंने कहा अभी चला ले गोली, मरना तो है ही, एक दिन मार ले अब। तो मेरी ये आवाज़ सुन के 5-7-10 लोग पास आए तो वो एकदम भाग गए, गाड़ी उसके साथियों ने तैयार की हुई थी, गाड़ी पहले स्टार्ट थी, वो उठ के भाग गए। तो धमकी तो मेरे को सरेआम उन्होंने जान से मारने की दी, मैं एहतियात से रहता रहा, अपनी सुरक्षा करता रहा, नहीं तो हो सकता है मेरे को भी अब तक रणजीत के साथ भेज दिया गया होता ऊपर। राम रहीम के गुंडों की धमकियों से डरे सहमे बलवंत ने 15 साल पहले सिक्योरिटी के लिए पुलिस का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। और फिर एक दिन कुछ गुंडों ने डेरे के पूर्व कर्मचारी रणजीत सिंह को मौत के घाट उतार दिया। मैंने एक बार रिक्वेस्ट की भी थी पर कोई गौर नहीं हुई और उसके कुछ ही दिनों बाद रणजीत का मर्डर हो गया। तो रणजीत का मर्डर हो गया तो फिर तो मतलब मैं एक तरह से मतलब बहुत एहतियात से रहने लग गया, मतलब डर भी था
परंतु हिम्मत नहीं हारी और अपने काम भी करता रहा। रंजीत बलवंत सिंह 15 साल पहले हुए रणजीत हत्याकांड के अहम गवाह हैं। बलवंत सिंह को दहशत के वो दिन अच्छी तरह से याद हैं, जब राम रहीम के गुंडे इनका पीछा करते थे, वो बस एक मौके की तलाश में थे। हाँ, मेरे को पता बाद में लगा कि मेरी रेकी होती रही है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने बताया। वो बाद में जब मैंने कोर्ट में गवाही दी तब मैंने पहचाना, दो व्यक्ति थे वो, एक जसबीर सिंह और एक सबदिल। वो चार बंदे यहाँ मेरे, मैं अपना फार्म हाउस पे आमतौर पे संडे के संडे एक मनोवैज्ञानिक कैंप लगाता हूँ, जिसमें मानसिक जो परेशान लोग हैं उनका काउंसलिंग से हल करता हूँ मसले। तो यहाँ वो पहले तो आए मरीज बनकर, तो जब यहाँ देखा कि 20-25 लोग बैठे हैं, तो वो मेरे पास इतनी बात, इतनी जानकारी लेके कि हमने मरीज दिखाना, मैं कहा बैठ जाओ, तो वो चुपचाप चले गए। एक दिन वो दो जने आए जिनकी पहचान मैंने कोर्ट में की थी, वो दोनों मेरे को कहने लगे कि हमने आपसे बात करनी है, हम डेरा सच्चा सौदा से आए हैं। पहली बार कैमरे पर राम रहीम और उसके गुंडों के राज फाश करने वाले बलवंत सिंह को एक एक वाकया याद है। राम रहीम के जेल जाने के बाद ये खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि रणजीत सिंह की हत्या का इंसाफ जरूर होगा। डर डर के जीने की 100 साल की उम्र की भी कोई वैल्यू नहीं है, जिंदगी शेर की जीनी है, सच्चाई की जीनी है, क्योंकि अपने लिए तो पशु भी जीते हैं, जो समाज के लिए जीता है और समाज के लिए मर जाता है, नाम तो उसी का रहना है, इसलिए बेखौफ हो के हम जिए। ये तो बलवंत, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि 15 साल बाद अब जो फैसला आया है उससे ये खुश हैं और अब भी जो गवाही होगी बेखौफ गवाही अपनी देते रहेंगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मनोज वर्मा, ABP न्यूज कुरुक्षेत्र। सनसनी में जारी है बलात्कारी बाबा पर बड़ा खुलासा, ब्रेक के बाद देखिए राम रहीम का रंग महल। बलात्कारी बाबा राम रहीम को बलात्कार के जुर्म में 20 साल की सजा हुई है। वो सलाखों के पीछे जेल में कैसे बीत रही है उसकी जिंदगी, ये हम आपको बताएंगे। पहले आपको दिखाते हैं एक आलीशान घर की तस्वीर। कहा जा रहा है कि ये राम रहीम का बेडरूम है। आलीशान कुर्सियां, भव्य डाइनिंग टेबल, आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय बलात्कारी राम रहीम के डेरे के भीतर की तस्वीरें हैं। सादगी का पाठ सिखाने वाले बलात्कारी बाबा के डेरे के डाइनिंग रूम में रखी डाइनिंग टेबल देख रहे हैं आप। डाइनिंग टेबल पर महंगी क्रॉकरी। अब बलात्कारी बाबा की डाइनिंग चेयर से पर्दा उठने वाला है। ये देखिए सोने के रंग बिरंगी हत्थे वाली सिंहासन नुमा कुर्सी, बगल में सोफा, दीवार पर एसी, फिर एक और कमरा। पुलिस वाले लात से दरवाजा तोड़ते हैं और अंदर पहुंचते हैं। दूसरे कमरे की तस्वीरें दिखाएं, उससे पहले आपको इस घर की एक और अहम जानकारी दे देते हैं। ये तस्वीरें राम रहीम के बेटे जसमीत के घर के अंदर की बताई जा रही हैं। उनकी बेटियों के घर में काम कर चुके कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह का आर्किटेक्चर उनकी बेटियों के घर के अंदर नहीं है। यानी घर बाबा का भी हो सकता है और उनके परिवार के किसी सदस्य का। अब दूसरे कमरे की तस्वीरें देखिए, काफी बड़ा कमरा, सामने बड़ा आलीशान किंग साइज बेड, छत पर POP का काम, और झूमर देखिए, बेड के सामने रखी शट्टी, बैंगनी रंग के सनील के कपड़ों से बना बेड, दीवारों पर ड्रेसिंग मिरर और टेबल, वॉलपेपर से सजी दीवारें। ये है राम रहीम के डेरे की आलीशान दुनिया। तस्वीरों में नजर आ रहे आलीशान फर्नीचर को लेकर ABP न्यूज ने पड़ताल की तो एक और खुलासा हुआ।
डेरे में राम रहीम के परिवार के मकान बनाने वाले कुछ लोगों का दावा है कि ये फर्नीचर जिस बिजनेसमैन की तरफ से सप्लाई किया जाता है वो डेरे का पुराना भक्त है। ये दो आलिशान कमरों की तस्वीरें हैं जिससे पता चलता है कि राम रहीम ने श्रद्धा के डेरे में कैसी विलासिता की दुनिया सजा रखी है। हालांकि तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि पुलिस डेरा के अंदर बने इस मकान की तलाशी ले रही है, उसके दरवाजे तोड़ रही है। बावजूद इसके सिरसा पुलिस का कहना है कि उन्होंने डेरा के अंदर जाकर किसी भी बंगले की तलाशी नहीं ली। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज सिरसा। कभी आलीशान गुफा में रहने वाला राम रहीम अब सलाखों के पीछे जिंदगी गुजारेगा। जिसकी सेवा में सैकड़ों साध्वियां रहती थी वो अब जेल में झाड़ू लगाएगी। अब तो उसे जेल में ही रहना पड़ेगा। पोशंपा भाई पोशंपा, राम रहीम का क्या हुआ? जेल की वर्दी पहननी पड़ेगी, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल में झाड़ू लगाना पड़ेगा, अब तो जेल में रहना पड़ेगा। बलात्कारी बाबा की जेल जिंदगी। बलात्कारी बाबा राम रहीम जेल की सलाखों के बीच तड़प रहा है। कहां तो अपनी आलीशान गुफा में वो रंगीन जिंदगी जीता था, और अब कहां उसे कैदी के तौर पर जेल की जिंदगी बितानी पड़ रही है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगे दस्तक आपकी दहलीज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।